नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड को देखने के समझने वाले हैं, ये वर्ड है MIC। इसका पूरा नाम होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। सो व्हाट इज द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन या MIC? किसी भी ड्रग का, खास करके इसको हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक के केस में। सो किसी भी ड्रग का, खास करके एंटीबायोटिक का, वह कंसंट्रेशन, वह मिनिमम कंसंट्रेशन जो किसी भी सैंपल में बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर सके, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सके, तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन हमारा कहलाता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। देखिए, किसी भी ड्रग की काम करने की एफिकेसी तब समझ में आएगी जब वो उनका इफेक्ट जो है वो विजुअलाइजेबल होगा, देख सकने लायक होगा। तो अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे एंटीबायोटिक की जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन देने के बावजूद आपका जो एंटीबायोटिक का एक्शन है वो शो कर रहा है, तो उस ड्रग का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो हमारे लिए मिनिमम माना जाएगा तब जब उसका एक्शन शुरू होता है। इसलिए MIC की जानकारी है ना बहुत जरूरी है, इससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका एंटीबायोटिक है वो कितने अच्छे से काम कर सकता है, उसका कौन सा ऐसा डोज है जो उसको मिनिमम लेवल पे, मिनिमम वैल्यू में भी आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर पाएगा, इसे ही हम कहते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।